सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अभी सुबह का जो टाइम हो रहा है 9 बज रहा है एंड मैं एक छोटी सी मॉर्निंग राइड पे निकला हूँ भाई। पता नहीं कहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पे नहीं, बस ऐसे ही निकल पड़ा हूँ भाई। सोचा कि छोटी सी राइड मार के आते हैं। सो देखते, मेरा प्लान है एक्चुअली बदलापुर या वांगनी या फिर सेलू तक जाके मैं रिटर्न आ जाऊँ, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। शायद मैं अमरनाथ से भी रिटर्न आ सकता हूँ। कोई प्लान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ पता नहीं है मुझे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। बस भाई, मेरा ना सुबह सुबह उठ के ऐसे ही मन किया कि यार एक सिटी राइड मार के आते सुबह सुबह। बहुत दिनों से मॉर्निंग राइड की नहीं है। एक्चुअली मैं जल्दी उठने वाला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, वो चलता है, मतलब एक ही दिन मिलता है यार सोने के लिए। सो निकल पड़ा हूँ भाई, अभी टाइम हो रहा है 9 एंड मैं पहुँचा हूँ उल्लासनगर। एक्चुअली मैं सोच रहा था ना पहले कोंडेश्वर टेम्पल जाके आऊँ, लेकिन कोंडेश्वर टेम्पल भाई इसके पहले भी जाके आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि यार देखते, मतलब जो भी है जैसा भी है, अभी फ्यूलिंग करवाते यहाँ पे एंड चलते देखते भाई आगे क्या सीन है क्या नहीं। वैसे उल्लासनगर आया हूँ तो मुझे ना एक चीज़ याद आ गई, मेरे जो कार्बोरेटर का स्क्रू है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बिकॉज टैंक में जो है ना मेरा पानी जा रहा था, तो बार बार कार्बोरेटर क्लीन करने के लिए मुझे वो स्क्रू खोलना पड़ता था, तो इस वजह से अभी वो ख़राब हो चुका है, तो वो भी मुझे चेंज करवाना है। किधर जाऊँ? सो भाई फ्यूलिंग हो चुकी है एंड ओके। वैसे ना मैं अमरनाथ के आगे काफ़ी टाइम के बाद ही जा रहा हूँ, मतलब वो साइड में ना मेरा आना जाना ही बंद है भाई, टोटली बंद है। वांगनी भी मैं शायद से पता नहीं लास्ट टाइम शायद, हाँ मेरे मामा की शादी थी, हल्दी थी, तो तब गया था। एंड ये सिग्नल भाई साहब, ओके छूटने आया सिग्नल। चलो 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 चलो। A few moments later. हाँ ले लो, सबको कैमरे में डाल दो, यूट्यूब पे सब फेमस हो जाएंगे। तो गाइस अपनी बाइक को देखने के लिए देखो भाई कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। कैसी बाइक? अच्छी लगी? सब लोग आ जाएंगे टीवी में आज। यूट्यूब देखते हो क्या? देखते हो? चैनल सर्च करो, सबको वीडियो में ले लूंगा, सब लोग आ जाएंगे वीडियो में। वह तो भाई अपना ये छोटा सा मीटअप है छोटे लोगों का, बाइक देखने के लिए आ गए। एक्चुअली मैं वांगनी आया था मेरे घर के यहाँ पे, तो भाई सब लोग जमा हो गए यहाँ पे। चलो गाइस, चलो चलो जाऊँ मैं राइड कैसे दिखाऊँ अभी? लिख के दूँ? मैं बता दूंगा तेरे को याद नहीं रहेगा, बाद में भूल जाएगा तू। हूँ मैं, यू मैं यहीं पे हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? ओ भाई साहब, हाँ हाँ इधर ही जाऊँगा, आऊँगा मैं 5 मिनट में वापस आऊँगा, ठीक है? ओ भाई साहब, ये लो भाई। तो कैसे ये लोग भाई चैनल का नाम लिख के ले रहे। ए झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तो भाई मैं ना ऐसे ही मॉर्निंग राइड के लिए निकला था, तो मैं सोचा कि वांगनी ही चला जाता हूँ, बिकॉज बाकी लोगों से भी मिलना हो जाएगा। जहाँ पे मैं पहले रहता था ना, तो आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं ना उनसे भी मिल लूँगा। तो भाई वहाँ पे गया, पूरे भाई बच्चा पार्टी जो है ना, बच्चा गैंग पूरी इकट्ठा हो गई थी भाई बाइक देखने के लिए। पता नहीं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे को देख के कि
कोई तो आया है भाई अपने एरिया में, उनको क्या ही पता भाई उसी एरिया का लड़का हूँ मैं भाई। बहुत सही लगा, लेकिन मजा आ गया, छोटा सा मीटअप हो गया सुबह सुबह बच्चा गैंग के साथ। तो अभी भाई मैं निकला हूँ वांगनी से, तो अभी चलते हैं फटाफट घर पे। एंड आई गेस सभी का जो टाइम है कुछ 10:30 या 11 हो रहे होंगे, 11 हो रहे, तो 11:30 तक पहुंच जाएंगे हम लोग घर पे। बाकी ये रोड जो है ना भाई, इसकी कंडीशन तब भी से लेके अभी तक खराब ही है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सा रील्स शूट करने के लिए जाते हैं गांधारी की ओर, मतलब हम लोग का बहुत टाइम से प्लान चल रहा है कि रील्स शूट करने जाते हैं। तो सोचा कि चलो आज जाते हैं, संडे है। इंस्टाग्राम पे ना भाई पोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है भाई। एंड अभी ये फिलहाल मैं पिज्ज़ा लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए, बिकॉज़ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको घर का खाना नहीं जा रहा, तो सोचा कि थोड़ा कुछ बाहर का खाएगी तो एटलीस्ट टेस्ट आएगी उसको। तो घर पे जाते हैं एंड फिर वापस निकलते हैं। A few moments later. All right, so guys, अभी हम लोग आए थे गांधारी में एंड यहाँ पे अभी वीडियो शूटिंग चल रही थी मेरी, मेरे साथ है, अरे इधर देखो भाई, उधर क्या देख रहे हो, दोनों भी उधर देख रहे हो, मेरे साथ है अभी आशीष एंड अंजलि। सो हम लोग आए थे गांधारी में वीडियो शूट और फोटो शूट करने के लिए। ये रही हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी, सेक्सी, क्या खतरनाक लग रही है देखो भाई। तो यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े फोटोज और वीडियोस आए जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिलेंगे। एंड अभी एक गुड न्यूज आई है, हमारे चैनल पे 8K सब्सक्राइबर्स भाई कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गाइस आप लोगों का भी थैंक यू सो मच 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। तो भाई उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे एंड बहुत जल्द हमारे 10K सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे लद्दाख जाने से पहले। बहुत टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 बजने आए, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।